हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज टीचर्स डे है और बहुत अच्छा दिन है, और रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई जो रेलवे में जॉब करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो फॉर्म भराए थे आरआरबी ने, 2,42,00,000 एप्लीकेशन गई थी 1,40,640 वैकेंसी के लिए। आप देख लीजिए कि खुद ही कितना आलम है, 1,40,640 वैकेंसी के लिए 2,42,00,000 फॉर्म गए थे। हालांकि फॉर्म तो ज्यादा भरे गए थे, शायद कुछ रिजेक्ट हो गए होंगे, ये ऑफिशियल डाटा अभी अभी जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आए और उन्होंने लाइव अनाउंस किया। मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। जी हाँ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अपने यूट्यूब चैनल जो है रेलवे बोर्ड का, उस पर लाइव आए थे। उन्होंने अनाउंस किया था कि जो 2,42,00,000 फॉर्म भरवाए गए थे तीन कैटेगरीज में, 1,40,640 वैकेंसी के लिए, जिसका इंतजार जो है लोग 1.5 साल से भी ज्यादा समय से कर रहे थे बच्चे, और बिल्कुल उम्मीद हार चुके थे। तो इस आंदोलन की वजह से, इस ट्वीट की वजह से, इस शांति प्रिय आंदोलन की वजह से जब ये चीज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची है ट्विटर के माध्यम से, अब वो उसका एग्जाम कराने वाले हैं। हालांकि पहले वो ब्लेम कर रहे थे COVID-19 को, सिचुएशंस को, है ना, लेकिन वो तो सभी को पता है कि किस वजह से पेपर नहीं हो रहा था, और कोविड से पहले भी कितना समय उनके पास था एग्जाम कराने के लिए। तो अब फाइनली वो तीनों कैटेगरी में NTPC, है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो है जिसमें लगभग 35,000 फॉर्म थे, और ग्रुप डी जिसमें 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, और एक तीसरी कोई कैटेगरी है उसमें भी कुछ ना कुछ वैकेंसी थी, कुल मिला के 1,40,640 वैकेंसी थी। उनका पेपर आज से लगभग 3 महीने बाद यानी कि 15 दिसंबर को कराया जाएगा। हालांकि अभी कोई नोटिस नहीं दिया है उन्होंने, ना ही अपनी वेबसाइट पर कोई अपलोड किया है, वो कुछ समय में आ जाएगा, लेकिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने खुद आके लाइव अनाउंस किया है कि हम रेडी हैं और एग्जाम कराने वाले हैं 15 दिसंबर से। ठीक है दोस्त, अभी देखो पूरा इन पर कभी भरोसा मत करो जब तक चीज हाथ में ना आ जाए, कभी भी धोखा दिया जा सकता है, लेकिन हमारा प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है। उनको पता लग चुका है कि अब लोग गुस्से में है, युवा एकदम अब गुस्से में, हम अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो सड़कों पर उतर जाएंगे, और एक निगेटिव इमेज रेलवे की युवाओं के अंदर चली जाएगी, उसको वो बचाना चाहेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा कि हमारी बदनामी हो, इस वजह से मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपका पेपर अब टाइम से हो, हालांकि नोटिस जो है कुछ समय बाद आ जाएगा, उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है। ठीक है भाई, तो और साथ साथ में आप अपने पैसे भी ले लेना पहले उनसे, कि पहले 400 रुपये वापस दो, सभी लोग ब्याज जरूर मांगे। ठीक है भाई, 1.5 साल का ब्याज बहुत रुपया, 400 का 500 रुपया मांगो। ठीक दोस्त, हालांकि ये तो मजाक की बात है, पेपर आपका समय से हो, आपको समय से जॉइनिंग हो, कोई चीटिंग चैटिंग ना हो, और इतने लंबे समय तक 3-3 साल तक एग्जाम को ना खींचा जाए, ये डिमांड अभी भी हमारी कायम है। वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम, और एग्जाम 15 दिसंबर से है, 100 दिन का समय है, पढ़ाई में लग जाइए। आप जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अभी आपके बीच में कुछ समय के लिए वीक हो गई होगी, आप कंटिन्यूअस पूरा उसी जोश में 3 महीने पढ़ लेगा, देखिए फॉर्म बेशक बहुत ज्यादा है, 2,42,00,000 फॉर्म है, गारंटी है कि 1 करोड़ लोग बच्चे तो पेपर देंगे ही नहीं। ठीक है ना, वो इधर उधर हो गए होंगे, अब तक भूल भी गए होंगे। ठीक है, और वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 1,40,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको टैलेंट है और आप मेहनत कर रहे हो तो 3 महीने का समय भी काफी है आपको जीरो से भी एग्जाम निकालने के लिए, बस पढ़ना है आपको NTPC, RRB, ग्रुप डी और एक तीसरी कैटेगरी है। एग्जाम 15 दिसंबर से होना अब तय है, जैसा कि रेलवे के चेयरमैन साहब ने बोला है। खुश हो कि नहीं बताओ, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक्स भाई, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा, और है ना टेलीग्राम, देखो मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए भाई, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे बहुत फेक अकाउंट है, सबसे ज्यादा फेक अकाउंट मेरी नाम से हैं। तो आप जिस पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो, जो ऑथेंटिक हो, उसी को ज्वाइन करें। ठीक है ना, वो पता नहीं क्या क्या चीजें शेयर करते रहते हैं, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। हमने SSC के रिजल्ट की डेट ली, हमने RRB की डेट ली, अभी न जाने कितने एग्जाम अटके हुए हैं।
भाई यूपी में टीचर्स की 69,000 भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अभी हमारा जो फोकस होगा वो स्टेट एग्जाम की तरफ होगा। बिहार में बहुत बुरा हाल है, कोई भी वैकेंसी 4 साल से क्लियर नहीं हो रही है। तो अभी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और हम सब लोग करेंगे। ऐसे नहीं मेरा काम हो गया बस भाड़ में जाओ जनता, अब हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, जब तक तुम्हारे साथी का भी काम नहीं हो। आपको पढ़ाई तो कंटिन्यूस रखनी है, पढ़ाई ब्रेक मत करो। शिक्षा से ही समाज का सुधार संभव है। पढ़ाई लगातार कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, लेकिन आपको आवाज भी उठाने साथ के साथ कि भारत में पूरी जो सरकारी जो एग्जाम की जो परीक्षा की जो प्रणाली है पूरी तरीके से चेंज हो। 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन से जॉइनिंग तक का जो जितने भी प्रक्रियाएं सभी पूरी होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और धीरे धीरे चीजें पूरी होंगी, एक दिन में रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसमें सालों का समय लगता है। पर जैसे हम बने रहेंगे तो लोग हमारी बातों को मानेंगे। ठीक है, खुश रहो, आज बहुत अच्छा दिन और बहुत बढ़िया न्यूज है। बताओ और कोई समस्या हो तुम्हारी। ठीक है भाई, आप जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। सारे लोग लगे हुए हैं। ठीक है भाई, अब आगे जिस एग्जाम को हम टारगेट